हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली, राम मंदिर के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी, क्या सत्ता के मद में इतनी चूर हो चुकी है कि अब वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लगी है? दोस्तों, ये सवाल मैंने इन तस्वीरों को देखने के बाद उठाए हैं। एमपी के नए सीएम मोहन यादव के स्वागत की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल है। उज्जैन के कार्यकर्ता नए सीएम के स्वागत के लिए इतना उत्साहित हो गए कि बजरंग बली की कॉस्ट्यूम पहनाकर जेसीबी की मदद से इस आदमी को हवा में उड़ता दिखा दिया। बजरंग बली का भेषधारी ये आदमी हाथ में फूलों की माला लिए है। जाहिर है ये माला नए नवेले सीएम के लिए होगी, लेकिन सवाल ये कि नए सीएम को क्या बीजेपी कार्यकर्ता भगवान समझते हैं जो उनके लिए बजरंग बली स्वागत करते दिखा दिए गए? दूसरों को हिंदुत्व के नाम पर लेक्चर देने वाली भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं को अंदाजा भी है कि इन तस्वीरों को देख बजरंग बली के असली भक्तों को कितनी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि ना तो हनुमान जी मजाक का पात्र हैं और ना ही उनका हवा में उड़ना मजाक है। बजरंग बली प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, तो फिर यहाँ सीएम के स्वागत में बजरंग बली का ऐसा भोंडा प्रदर्शन आखिर क्यों किया गया? क्या नए नवेले सीएम को खुश करने के चक्कर में कार्यकर्ता उन्हें भगवान बना रहे हैं? 1% सोच कर देखिए, अगर यही काम किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं ने किया होता तो बीजेपी वालों ने हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने के नाम पर कैसा प्रपंच अब तक रच दिया होता। लेकिन नए सीएम के स्वागत के लिए बजरंग बली के ऐसे अपमान पर बीजेपी और उसकी मीडिया दोनों जश्न मना रही है। दोस्तों, अब एमपी के सीएम के उज्जैन में इस स्वागत की तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।